आज हम पढ़ने वाले हैं अपने कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू विंडोज 7। अब इंट्रोडक्शन यानी बताना होता है, और विंडो यानी ये जो आप स्क्रीन देख रही हो ना, ये कंप्यूटर के ऊपर है। मैं आपको ना ग्रुप में फोटो भेजती हूँ। कंप्यूटर या लैपटॉप का आपने तो विंडो देखा है ना? यस मैम। गुड। तो मैं फिर भी आपको एक बार इमेज आपको भेज देती हूँ, और इसको बोलते हैं विंडो। अब विंडो अलग अलग तरह के होते हैं। अभी हमने लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा था, बोला था ना विंडो 7 में ये गैजेट होते हैं, विंडो 10 में ये गैजेट नहीं होते हैं। तो ये अलग अलग विंडो, तो हाँ, तो ये अलग अलग विंडोज होते हैं। अभी करंटली जो मेरा विंडो है वो विंडो 10 है, जो नए मॉडर्न का है। पहले विंडो 7 भी था, 2 भी था, और अलग अलग थे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे विंडो के बारे में। ओके, सो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप आइडेंटिफाई करोगे डेस्कटॉप को, यानी आपको पता होगा कि डेस्कटॉप क्या है, एंड चेंज द विंडो थीम्स। आप विंडो का थीम यानी क्या होता है, विंडो पे ये जो वॉलपेपर लगा होता है ना, इसको आप चेंज कर सकते हो, जिसको हम थीम भी बोलते हैं। अगर मैं आपको अपना अभी स्क्रीन शेयर करके बताऊं, एक मिनट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक थीम है, ठीक है, जिसको हम वॉलपेपर भी बोलते हैं। तो इसको आप एक चेंज करना सीखोगे, और आप डिफरेंट पार्ट सीखोगे डेस्कटॉप के पार्ट्स। ओके मैम। ठीक है, तो थीम आप सीखोगे। थीम होता है जो वॉलपेपर होता है आपके सामने, उसे चेंज करना। तो आप चेंज करना सीखोगे विंडो का थीम। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं रीना। तो सबसे पहले है चिल्ड्रन एट ए कंप्यूटर, मतलब चिल्ड्रन बच्चों, ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट। जो कंप्यूटर है वो बना है डिफरेंट पार्ट से, यानी बहुत सारे पार्ट से वो एक कंप्यूटर बना है। तो अब हम उस कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो आप अब यहाँ से लेकर थोड़ा थोड़ा आप रीड करोगे, और मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँ। तो पहले आप यहाँ से इट से लेके यहाँ सिस्टम तक रीड करो। ओके मैम। इट डूज मेनी थिंग्स एट अ टाइम। इट डैशबोर्ड रिक्यूर्स अ मैनेजर टू मैनेज एंड कंट्रोल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मैम हो गया। ओके गुड। सो एक कंप्यूटर एक मतलब यह एक बार में कई काम करता है। इट डज मैनी थिंग्स एट ए टाइम, बहुत सारे काम करता है एक ही टाइम में। और जैसे कि यहाँ पर एक नया शब्द का यूज हुआ है, मैनेजर। मैनेजर वो होता है जो, जैसे एक, मैं आपको छोटे शब्दों में समझाती हूँ, जैसे एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कोई प्रेस करता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई काम करता है। 15-20 लाइन है, एंड उसमें 20-20 लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब 200-300 लोग हैं। तो वो जो 200-300 लोग हैं ना उस फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री में, तो उस फैक्ट्री का ना मालिक नहीं, उस फैक्ट्री के मालिक मैनेजर को रखते हैं। मैनेजर होता है जो ये सारी चीजें संभालता है, जैसे कि ये लड़की पूजा नाम है, ये लड़की पूजा अभी ये काम नहीं करेगी, अभी इसकी जरूरत सबसे ज्यादा यहाँ है तो ये करेगी, वो सब कुछ मैनेज करता है, तो उसको हम मैनेजर बोलते हैं। क्लियर? यस मैम। तो ऐसे ही कंप्यूटर के बहुत सारे भाग यानी पार्ट्स हैं, डिफरेंट मतलब कंट्रोल करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, तो अब इसके आगे हम जानेंगे द मैनेजर ऑफ कंप्यूटर। इट्स जो कंप्यूटर का, देखो जो भी ज्यादा कामें हैं जो एक बंदा करवाता है उसको हम बोलते हैं मैनेजर। तो ये मैनेजर है। अब कंप्यूटर का मैनेजर कौन है? अब कंप्यूटर का मैनेजर है ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड इट इज
टाइप ऑफ सिस्टम, अब वो अलग अलग टाइप का है। सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर मैनेज, ठीक है, ये कंट्रोल करता है वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है। अब आपने विंडोज देखा है, विंडो इज ए मोस्टली कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडो है वो मोस्टली कॉमनली यूज होता है। आप देखो यहाँ पर इनके नाम लिखे हुए हैं, यहाँ तक सम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी वही ऑपरेटिंग सिस्टम, बस अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है बट सेम है। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिटेल। अब हम इस चैप्टर में विंडोज 7 के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, और विंडोज 7 का जो जो एक्टिविटी होगा वो हम इसमें करेंगे। ये विंडो 10 है इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम थोड़ा उसको विंडो 10 की तरह करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके मैम। तो हम आ गए हैं डेस्कटॉप इट्स पार्ट। तो आपको पता है डेस्कटॉप क्या होता है? मैम थोड़ा थोड़ा। ये डेस्कटॉप है बेटा, पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, विंडो भी कहते हैं, डेस्कटॉप भी कहते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप एंड इट्स पार्ट, अब हम बात करने वाले हैं डेस्कटॉप और उसके पार्ट्स के बारे में। सो व्हेन वी स्विच ऑन आवर कंप्यूटर, जब हम अपने कंप्यूटर की स्विच ऑन करते हैं, ऑल इट्स पार्ट आर, मतलब जितने भी पार्ट्स है वो चेक करते हैं बीप से, देन मतलब वो बीप से चेक करते हैं सबसे पहले सारे, देन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडली, मतलब वो लोडली होता है, लाउडली इन दिस कंप्यूटर, कंप्यूटर में मतलब वो लोड होता है, ऐसे ऐसे दिखाता है हमें कि हाँ ऑन हो रहा है, लोडिंग हो रही है, ऑन हो रहा है। सो मेमोरी फ्रॉम इट्स डेस्कटॉप हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क का जो मेमोरी है, मेमोरी फ्रॉम हार्ड डिस्क, तो मेमोरी जो होता है वो हार्ड डिस्क में होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग, जो ये प्रोसेस होता है जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो आवाज आती है बीप साउंड की और सारे सिस्टम अपने आप को चेक करते हैं, तो उस जो उस प्रोसेसर का नाम होता है उसको हम बूटिंग बोलते हैं। आफ्टर द प्रोसेसिंग, आफ्टर जब हम प्रोसेस कर लेते हैं, द बूटिंग द डेस्कटॉप अपीयर ऑन द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर, मॉनिटर पे फिर हमें डेस्कटॉप दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। एंड लुक एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ विंडो एंड डेस्कटॉप, मतलब विंडो डेस्कटॉप आपको यहाँ दोनों नाम दे रखा है ताकि इजीली हमें समझ में आए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें बता रखा है ये कि ये क्या है, हमें पता है कि हम ये छोटे छोटे को क्या बोलते हैं लीना, अलीना हम ये छोटे छोटे को क्या बोलते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है, अलीना अलीना मेरी वॉइस आ भी रही है आपके पास, अलीना? यस मैम। तो आप मुझे बताओ ये जो छोटे छोटे यहाँ पर ये बने इनको हम क्या बोलते हैं, बताओ क्या मैम? ओके मैंने आपसे पूछा है कि ये जो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पे यानी विंडो पे जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, जिन पे मैं सर्कल कर रही हूँ, दिखाई दे रहा है मैं सर्कल कर रही हूँ? यस मैम। हाँ, इनको क्या बोलते हैं मैम? आइकन्स। आइकन्स, वेरी गुड। ओके अब इसको क्या बोलते हैं, ये जो छोटा हमें दिया होता है क्या बोलते हैं इसको? छोटा सा हमें दिया होता है क्या बोलते हैं इसको? आप अपने गुड। ओके ये जो हमें नीचे आइकन्स जो अलग से दे रखे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अलीना?
मैन. क्या बोलते हैं? टास्क बार. टास्क बार. हाँ गुड. ओके अब मुझे बताओ इनको क्या बोलते हैं. गैजेट्स. ओके सो वेरी गुड. एंड इसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ विंडो, मतलब पार्ट्स ऑफ विंडो, डेस्कटॉप. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट विंडो एंड डेस्कटॉप पार्ट्स, तो आप ये लिख सकते हो. अगर आपसे विंडो के पार्ट्स पूछे जाएंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो आइकन्स. ठीक है. ओके तो जब हम चलते हैं आगे, तो आगे जाने. ओके तो मैं आपको विंडो 10 में और 7 में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. जैसे कि मैंने पहले तो आपको स्क्रीन शेयर किया, उसके बाद मैं अपने स्क्रीन पे आ गई. सबसे पहले तो आप यहाँ देखो, ये है मेरे आइकन्स. ओके ये है मेरे आइकन्स. यहाँ पर आप मेरे आइकन्स देख रहे हो. यहाँ है मेरा वही जो आपने बोला स्टार्ट बटन. ओके सो यहाँ है मेरे टास्क बार, लेकिन ये पूरा मेरा टास्क बार नहीं है. मेरा टास्क बार सिर्फ यहाँ से यहीं तक. और जो यहाँ पर आपको इतना कुछ दे रखा है विंडो 10 में, ये है हमारे गैजेट्स. क्योंकि वहां पे जितने आपको गैजेट्स दिए थे, उसमें आपको एक घड़ी मिली थी, एक कैलेंडर मिला था और एक गेम मिला था. लेकिन विंडो, वहां पर विंडो 7 में इतनी चीजें थी, लेकिन विंडो 10 में आप सभी को ये सारी चीजें स्मार्ट मिली है. जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं कि टाइम पे अगर मैंने क्लिक किया, यहाँ कॉर्नर पे मैंने क्लिक किया, तो आप देखोगे कि अपने आप ओपन हो जाएगा. यहाँ मुझे टाइम, सेकेंड, मिनट, सेकेंड, और यहाँ पे मुझे डेट, डेज और मंथ और ईयर सब दिखाई दे रहा है. और यहाँ हमारा कैलेंडर है. तो ये हमें एक तो एक जो सबसे अच्छी चीज ये हो गई कि तीनों चीजें एक में आ गई. नहीं तो उसमें क्या होता था, घड़ी अलग, कैलेंडर अलग. तो अब दूसरा आपको यहाँ पर न्यूज भी मिल जाता है. अभी देखो यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा लाइट रेन, मतलब हल्की बारिश होगी. तो यहाँ पर ऐसे ऐसे हमें इंफॉर्मेशन दे रहते हैं, ये यहाँ पे मैसेजेस हमें दिखाते हैं. तो ये विंडो 10 में काफी स्मार्ट चीजें हैं. ओके अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ. तो हम चलते हैं यहाँ पर द डेस्कटॉप. ओके तो गैजेट्स, टास्क बार, फोल्डर एक्सेट्रा, लेट अस लर्न अबाउट. ओके सो अलीना सबसे पहले बेटा इसे रीड करो. ओके मैम. द डेस्कटॉप कंटेन्स डेस्कटॉप बैकग्राउंड विद आइकन्स एंड गैजेट्स, टास्क बार एंड It is folders, etc. Let us learn about each part. Okay, यहाँ file है and folder. So file और folder में बहुत फर्क होता है, वो भी इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगी. सबसे पहले जो डेस्कटॉप है वो, मतलब देखो या उसके भी बैकग्राउंड होते हैं, आइकन्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, टास्क बार होता है, फाइल होता है, फोल्डर होता है. तो इन्होंने बोला है चलो पढ़ते हैं अबाउट इनके पार्ट्स के बारे में, डेस्कटॉप के और बैकग्राउंड के, मतलब जो आइकन के पढ़ेंगे. सबसे पहले इसमें आता है थीम जो है, हम थीम बोल रहे हैं लेकिन उसको वॉलपेपर भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पर उसको दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिखा है. तो अलीना आप इसको रीड करो यहाँ से यहाँ तक. ओके मैम. द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ विंडोज डेस्कटॉप इज कॉल्ड द डेस्कटॉप बैकग्राउंड. इट इज कॉल्ड द called the wallpaper. Desktop wallpaper is the image that fills the background.
And computer screen when all programs are closed. तो दो बैकग्राउंड पिक्चर्स होते हैं विंडोज में, उनको डेस्कटॉप ही कहते हैं, कॉल्ड द डेस्कटॉप. बैकग्राउंड जो होता है इट इज आल्सो कॉल्ड वॉलपेपर. तो बैकग्राउंड को हम लोग मतलब डेस्कटॉप जो होता है मतलब बैकग्राउंड को उसको हम वॉलपेपर भी बोलते हैं. एंड डेस्कटॉप वॉलपेपर इज द इमेज, वो एक इमेज होती है, वो एक फोटो होती है. डैट मतलब डैट जो फाइल द बैक, जो फाइल के बैक में आप देखते हो, फाइल से आप लगा सकते हो और डायरेक्टली आपके कंप्यूटर के स्क्रीन में दिखाएगा. व्हेन ऑल प्रोग्राम आर क्लोज, जब ऑल प्रोग्राम क्लोज होंगे तो आपको दिखाई देगा. जैसे कि अभी मैंने एक प्रोग्राम को ऑन कर रखा है जो स्क्रीन में आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जब मुझे इसे क्लोज करना पड़ेगा तो अभी मैंने शेयरिंग का ऑप्शन ही ऑन कर रखा. ओके, मैं अब शेयरिंग का ऑप्शन ऑन करती हूँ. तो इसमें हमें डेस्कटॉप चेंज करने के बारे में बताया है, तो हम लोग चेंज करेंगे. लेकिन साथ में कम मतलब जैसे जैसे हमें हमारे बुक में बताएगा वैसे वैसे हम चेंज करेंगे. तो सबसे पहले इन्होंने यही बोला है कि विंडो का जो डेस्कटॉप होता है उसको हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी बोलते हैं और इसको वॉलपेपर भी बोलते हैं. और जब ये जो प्रोग्राम आपका, आप ये देख रहे हो इमेज, जो बुक शेयर है, इसको जब आप क्लोज करोगे तो जो आप जो पीछे आपको दिखाई देगा वो आपका वॉलपेपर होगा, यानी स्क्रीन. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आइकन्स के बारे में. सो द स्मॉल मतलब अब हम आइकन्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड के शॉर्टकट्स के बारे में बात करने वाले हैं. तो अलीना रीड करो इसे. ओके मैम, द स्मॉल लेबल टू पिक्चर पैरेंट्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स. दैट आइकन्स आर टू ओपन स्वाइप्स प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्स. डेस्कटॉप आइकन्स आर आल्सो कॉल्ड शॉर्टकट सिस्टम. Commonly found icons are the computer recycle bin etc. Good. So the small जो small में pictures दिए होते हैं, present होते हैं हमारे desktop में, उनको हम बोलते हैं icons. और these icons are okay. These icons are इसके आगे okay. Are used टू ओपन मतलब हम इसको ओपन जब करते हैं आइकन्स को, तो डॉक्यूमेंट्स मतलब कुछ भी हम प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्स डेस्कटॉप आइकन जो होता है उसको हम लोग शॉर्टकट भी बोलते हैं. सो कॉमनली फाउंड आइकन आर द कंप्यूटर रिसाइकल बिन एक्सेट्रा. तो जो ये आपके आइकन्स हैं ये सब आपको आपके यहाँ मिल जाएंगे. मैं आपको दिखाती हूँ आपके अपने स्क्रीन पे. मैंने स्क्रीन शेयर किया, अब हम आ गए अपने बैकग्राउंड में यानी अपने वॉलपेपर में. तो अब यहाँ पर आपको ये जियो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब हमारा आइकन है. आइकन तो इसको हम लोग क्या बोल सकते, अभी आइकन है ये शॉर्टकट्स में भी होते हैं. जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो कंप्यूटर होता है पीसी, पीसी के अंदर जाने के बाद हम लोगों को अपना वो सब ढूंढना पड़ता है कि हमें क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है. लेकिन यहाँ पर देखो मैंने इन दो के तीन के शॉर्टकट बनाए, पहला बुक्स का, तीसरा भी बुक्स का है, थर्ड भी बुक का, लेकिन अलग अलग बुक्स का है. अभी अगर मैं किसी को भी टच करूंगी दो बार, क्लिक करूंगी डबल क्लिक, तो मेरा ये खुल जाएगा. मतलब डायरेक्टली मैंने जो फोल्डर बना रखा था डायरेक्टली वो ऊपर हो जाता है. ठीक है, ओके मैम. इसे हम शॉर्टकट बोल, तो अब हम आगे चलते हैं. तो इसे शॉर्टकट बोलते हैं और ये, और हम चलते हैं कंप्यूटर के रिसाइकल बिन में भी काफी प्रोग्राम्स होते हैं. तो हम बात करेंगे द कंप्यूटर. तो कंप्यूटर आइकन प्रेजेंट ऑल द हार्ड डिस्क, जितने भी आइकन्स है वो प्रेजेंट होते हैं यानी प्रेजेंट यानी रहते हैं ऑल द हार्ड डिस्क डिवाइस में. हार्ड डिस्क डिवाइस आपने देखा, क्यों नहीं देखा आपने?
हार्ड डिस्क डिवाइस के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सिर्फ हार्ड डिस्क डिवाइस के बारे में सॉल्व किया था। उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा हार्ड डिस्क कैसा होता है। ठीक है, ओके। ओके मैम, सो सेव्ड फाइल एंड फोल्डर हम यूजिंग, तो हम हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव करते हैं फाइल एंड फोल्डर को। फाइल का मतलब होता है, मैं भी आपको शो करती हूँ, एक मिनट। तो फाइल का मतलब होता है, ये तो फोल्डर है, ठीक है, ये फोल्डर है, और ये जैसे मैंने इस पे कट किया तो ये सारे फाइल्स आ गए मेरे, तो ऐसे ऐसे होते हैं। तो इनको आप चाहे एक एक फाइल करो, चाहे एक साथ पूरा फोल्डर करो, एज योर विश, लेकिन ये बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है। तो इसमें ये बताया है, अब हम चलते वापस अपनी बुक्स पे। तो ओके मैम, यहाँ पे बताया है फाइल फोल्डर को हम सेव करते हैं तो वो डायरेक्टली हार्ड डिस्क में जाता है। यूजिंग इट, हम इसको यूज करते हैं, वी कैन, मतलब हमें सारे, मतलब इसमें जो ऑल डिवाइसेस हैं, फोल्डर एंड फाइल स्टोर होते हैं हमारे कंप्यूटर में। जब हम डबल क्लिक करते हैं ऑन ऑन द आइकन्स पे, तो टू ओपन इट, तो ये ओपन हो जाते हैं। यू कैन ओपन ड्राइव, आप ड्राइव भी ओपन कर सकते हो, फोल्डर भी ओपन कर सकते हो इन दिस बाय डबल क्लिकिंग। जब आप डबल क्लिक करोगे तो आप ये सारे आइकन्स ओपन कर सकते हो। सो अब हम बात करते हैं द रिसाइकल बिन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिसाइकल बिन एक डब्बे, एक डस्टबिन जैसा है। तो यहाँ पर अब आपको देखो बता रखा है, आइकन्स प्रेजेंट्स ऑल द डिलीट फोल्डर फाइल, इट एक्ट एज ए डस्टबिन। जितने भी फोल्डर है, फाइल है और भी चीजें हैं कंप्यूटर से जो डिलीट हुई हैं, वो सारी आई हैं यहाँ पर रिसाइकल बिन में, जिसको हम डस्टबिन भी कह के जानते हैं। तो इट इज यूज टू स्टोर आवर डिलीट आइटम्स। तो ये जो हमारा रिसाइकल बिन है, ये हमारे डिलीट आइटम्स को रखता है। वी कैन रिस्टोर आवर डिलीट फाइल फ्रॉम द रिसाइकल बिन। हम अपने डिलीट फाइल फोल्डर को रिस्टोर कर सकते हैं दोबारा से, यानी दोबारा से अपने कंप्यूटर में उसको परमानेंटली सेव कर सकते हैं, अगर हमसे गलती से डिलीट हो गया है। बट वंस ए फाइल इज डिलीट फ्रॉम रिसाइकल बिन, लेकिन अगर आपने कोई भी फाइल या किया तो कैन नॉट बी रिकवर्ड, मतलब आप फिर उसको दोबारा नहीं ला पाओगे। समझ में आया ली ना? यस मैम, हाँ, तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे और हम थोड़ा रिसाइकल बिन के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मेरा रिसाइकल बिन यहाँ है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, आप अपना स्क्रीन बड़ा करके भी देख सकते हो। हाँ, इसमें लिखा हुआ है रिसाइकल बिन। तो अब आप देखोगे, मैं ऐसे नहीं करूंगी डायरेक्ट, मैं अब एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ किसी फाइल में, फोल्डर में, तो मैं अपने शॉर्टकट फोल्डर में गई हूँ और यहाँ से, एक मिनट, ओके। अब ये जो मेरा है, अब इसमें से मैं एक ये वाला जो मेरा फाइल है, यानी ये मेरा जो फाइल है, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। मैंने इस पे राइट लेफ्ट क्लिक किया है, लेफ्ट क्लिक करने के बाद एक ऐसा मेन्यू ओपन हो गया, इसमें ऑप्शन आता है क्रिएट शॉर्टकट, डिलीट, रीनेम, तो इतने सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो मैं अब इसमें से डिलीट को चुन रही हूँ, आप ध्यान से बड़ा करके देखना, मैंने डिलीट को चुना और अब आप यहाँ से देखोगे मेरा जो बिजनेस का बुक था वो मेरा डिलीट हो गया। देखो, डेटा एंट्री के ऊपर था, वो मेरा डिलीट हो गया। अब हम चलते हैं रिसाइकल बिन में, पहले हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि अगर नहीं आया हो तो आ जाए। अब हम चलते हैं अपने रिसाइकल बिन में, तो रिसाइकल बिन को हमने डबल क्लिक किया और आप देखोगे कि पहले मैंने इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया था, मैंने इसको ओपन भी नहीं किया था, और अभी मैंने इसको ओपन किया और जो वहां से मैंने डिलीट किया वो मुझे यहाँ शो कर रहा है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, अब इन्होंने पूछा है क्या आपको ये दोबारा से, मतलब रिस्टोर करना है, तो मैंने यहाँ पे रिस्टोर दबा दिया। तो अब मैंने रीस्टोर दबाया तो ये क्या हो रहा है, अब देखते हैं हम।
ओके वो यहाँ से जा चुका है तो हमारे वहां पर आ जाएगा, क्योंकि वो फाइल हमारा था। तो अब हम चलते हैं वापस अपने वहां पर जहां से, जिस फोल्डर से हमने वो डिलीट किया था। तो आई होप कि अब तक आ गया होगा। तो चलते हैं हम, तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम देखेंगे, ये देखो ये हमारा नीचे, देखो यहाँ पर ये लीना दिखाई दे रहा है आपको, यस मैम। ये मेरा बिजनेस वाला जो था, जो मैंने डिलीट कर दिया था, वो मेरा वापस आ गया है। ठीक है, और इसमें जितने भी फाइल्स हैं उनको मैं ओपन कर सकती हूँ, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो रिसाइकल बिन हमारा एक डस्टबिन है, जिसमें हम अपने सारे ऐसे गंद, जो हमारे आइकन्स होते हैं, कोई भी फोल्डर फाइल होता है जो हमसे गलती से डिलीट हो जाता है या फिर हम ही कर देते हैं, तो डिलीट नहीं होता, वो रहता है रिसाइकल बिन में। और जब हम चाहें तो हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा अब आपको रिसाइकल बिन के बारे में क्लियर है? लेकिन यस मैम। यहाँ पर देखो एक सबसे मेन बताई गई है, बट एक बार अगर आपने कोई फाइल या फोल्डर रिसाइकल बिन के अंदर से अगर डिलीट किया, तो आप मतलब दोबारा फिर वो नहीं आ पाएगा, फिर वो परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा। हाईलाइट मतलब यहाँ पर हमें दिखा रहा है हिडिंग द डेस्कटॉप आइकन, जो छुपे हुए डेस्कटॉप आइकन है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फॉलो द स्टेप शो इन फॉलोइंग पिक्चर टू हाइड द डेस्कटॉप आइकन। तो हम इसमें से अपने डेस्कटॉप आइकन जितने हमारे यहाँ हैं हम उनको छुपा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। सबसे पहले डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो, क्लिक ऑन द व्यू। तो हमें व्यू पे क्लिक करना है इन द शॉर्टकट मेन्यू, जो शॉर्टकट मेन्यू होगा, एंड क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप आइकन टू अन, मतलब ये हमारा टू स्टेप है, अनचेक इट। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये सारा अपने आप गायब हो जाएगा। थर्ड स्टेप, इसको वापस लाने के लिए देखो, जब हमने ये सारा प्रोसेस किया तो हमारा यहाँ का जितना भी आइकन था वो सारा डिलीट हो गया। लेकिन अब अगर हमें ये थर्ड स्टेप चलेंगे जो यहाँ पर दे रखा है, तो सबसे पहले आइकन डिस्पेयर, यानी आइकन्स गायब हो जाएंगे एज सून, मतलब जल्दी से। एज वेल अनचेक, जब आप उस पर वापस जाके अनचेक करेंगे और शो डेस्कटॉप करेंगे ऑप्शंस को, तो आपको वापस से आपके आइकन्स दिखाने लग जाएगा। तो अभी हम चलते हैं, तो हिडिंग द डेस्कटॉप आइकन, तो हिडिंग यानी छुपाना। तो चलो हम अब चलते हैं अपने स्क्रीन पे और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और सबसे पहले फर्स्ट स्टेप था कि हमें राइट क्लिक करना था। राइट क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना है क्लिक ऑन व्यू। तो यहाँ पर अब हमें व्यू ऊपर ही टॉप पर दिखाई दे रहा है, तो हमने पहले इसको क्लिक किया तो हमारे पास लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन आ रहा है और काफी कुछ आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्लिक ऑन द शो। यहाँ पर जो डेस्कटॉप आइकन्स, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, एंड अब आप देखो कि यहां से मेरे सारे आइकन्स गायब हो चुके हैं। ठीक है, यानी डिस्पेयर हो चुके हैं। और अब अगर अब इसको मुझे वापस लाना है तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले वही राइट क्लिक व्यू पे करना है और उसके बाद शो डेस्कटॉप आइकन। सो मैंने इस पे क्लिक किया एंड आप देखोगे वापस मेरे सारे आइकन्स आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस। तो नीचे है, नीचे हम भी दे रखा है मतलब, तो ये है व्हेन यू क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप आइकन। जब आप शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करोगे से का वर्ड सीखा है, पहला हमने वर्ड सीखा है डिस्पेयर और दूसरा सीखा है रिपेयर, यानी गायब हो जाना, खत्म हो जाना, रिपेयर यानी वापस आ जाना इन द डेस्कटॉप। तो वो डेस्कटॉप पे फिर वापस आ जाएगा जो हमारा गायब हुआ है। तो अब हमारा है गैजेट। तो गैजेट और टास्क बार हम आगे कवर करेंगे। अलीना इस चैप्टर की आप मुझे रीडिंग भेजना,
और मुझे एक्सप्लेन करना कि डेस्कटॉप एंड उसके फीचर्स क्या है, और जब हम विंडोज शुरू करते हैं, हम कंप्यूटर शुरू करते हैं, तो उसकी क्या क्या आवाज आती है। तो अब हमें ये चैप्टर यहीं पर अभी बंद करते हैं, ठीक है? ओके मैम, ओके, बाय बाय। बाय मैम, बाय बाय मैम। गुड। तो हम बात करने वाले हैं गैजेट्स के बारे में। सो गैजेट्स का नाम सुन के हमें डोरीमोन के गैजेट्स का याद आता है, लेकिन ये वैसी कुछ गैजेट्स हैं जिनके बारे में ऐसे बता रखा है। तो चलो हम देखते हैं गैजेट्स के बारे में। सो गैजेट्स आर मिनी प्रोग्राम। ओके अलीना बेटा, आप रीड करो ये सारा। ओके मैम, गैजेट्स आर मिनी प्रोग्राम्स अपर ऑन द डेस्कटॉप इन विंडोज 7. दे आर डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, बट वी कैन मूव देम एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। दे provide information at a glance and are fun to use. We can choose which gadgets to keep on our desktop. Some of the gadgets that come with Windows 7 are clock center, picture, puzzle and बेटा ये कैलेंडर है, सेंडर नहीं है, कैलेंडर। ओके ठीक है। सो गैजेट्स आर मिनी प्रोग्राम। सो गैजेट हैं वो छोटे छोटे प्रोग्राम है, ठीक है। सो अपीयर ऑन द डेस्कटॉप, वो डेस्कटॉप पे रहते हैं इन ए विंडो 7। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये विंडो 7 की बात कर रहे हैं जिनमें ये रहते हैं। तो दे आर डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड, और जब हम ऑन करते हैं तो राइट साइड रहता है स्क्रीन के इस साइड रहते हैं, इस साइड रहते हैं। यहाँ पर कैलेंडर रहता है, यहाँ पर घड़ी रहता है, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। तो राइट साइड रहता है स्क्रीन के, बट वी कैन मूव देम। ओके, पर हम उसको मूव करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनी वेयर ऑन द स्क्रीन, आप कहीं पे भी उसको सेट कर सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डैट ए गैलेक्सी एंड आर फन टू यूज। इसको आप फन के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे ये पजल है। सो पिक्चर पजल है, मान लो इसमें एक सुंदर सी डॉल बनी है लेकिन उसके पीसेस अलग अलग हो गए हैं, तो आपको वो पीसेस सही करना है, ये एक फन है। सो वी कैन चॉइस विच गैजेट्स टू कीप ऑन आवर डेस्कटॉप। तो हमारे पास मतलब हम ये कर सकते हैं कि हम चॉइस कर सकते हैं कि हम मुझे कौन सा गैजेट रखना है और कौन सा गैजेट नहीं रखना है। कैलेंडर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे नहीं रखूंगी, मतलब मैं इसको यहाँ से डेस्कटॉप के यहाँ से स्क्रीन से डिलीट कर दूंगी। और क्लॉक मुझे चाहिए तो क्लॉक में रखूंगी, बाकी सारा मैं डिलीट कर सकती हूँ एज माई विश। सो हमारी मर्जी है कि हम उसे रखें अपने डेस्कटॉप पे या ना रखें, ठीक है। सो सम ऑफ गैजेट, मतलब कुछ गैजेट डैट कम विद विंडो 7, जैसे कुछ गैजेट हैं जैसे कि विंडो 7 के साथ ही आया है। हाँ, तो वो क्या क्या है? एक तो वो है क्लॉक, कैलेंडर, पिक्चर, पजल एंड वेदर। सो वेदर होता है मौसम देखने के लिए, जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में क्या मौसम है, कितनी ठंडी है, कितनी गर्मी है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर दिखाता है। अगर रेन का होगा तो रेन का दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा ये दिखाता है। तो ये है हमारे हेल्पिंग गैजेट्स जो हमें हेल्प करता है कंप्यूटर। ओके, तो हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा है टास्क बार, हमने पहले भी इसके बारे में बात किया है। टास्क बार इज ए लॉन्ग, मतलब टास्क बार ऐसे एक लॉन्ग में लंबे में होता है। बार प्रेजेंट एट द, मतलब ये बॉटम में प्रेजेंट होता है डेस्कटॉप के नीचे, ठीक है। तो द पार्ट्स ऑफ टास्क बार आर शो, मतलब ये हमें ये सब दिखाता है हमने क्या खोला है, हम क्या यूज कर रहे हैं और क्या क्या और भी ऑप्शंस हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट बटन, उसके बाद ये क्विक, मतलब ये जल्दी से खुलने वाले आइकन्स हैं कि हम तुरंत क्लिक करेंगे खुल जाएगा।
नोटिफिकेशन एरिया जहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, वॉइस पता चल जाता है, यहाँ पे टाइमिंग वगैरह। तो सिस्टम क्लॉक, ये हमारा एक सिस्टम क्लॉक है, और इसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ टास्क बार, पार्ट्स ऑफ टास्क बार में बोलते हैं ये। और ये मेनली हर विंडो 7 में देते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्टार्ट बटन के बारे में। सो आई होप कि स्टार्ट बटन के बारे में अलीना आपको पता होगा पहले से भी। अलीना, यस मैम, क्या आपको टास्क बार के मतलब स्टार्ट बटन के बारे में पता है? स्टार्ट बटन क्या, अभी स्टार्ट बटन क्या होता है? मैम, ओके हाँ ठीक है, आप रीड करो यहाँ से यहाँ तक। ओके मैम, स्टार्ट बटन इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट और द टास्क बार, द नेम इटसेल्फ tells us that most of our computer work will begin with this button. Click on the start button to open the start menu. It displays a list of options. Click on all programs option in the start menu to open a list of programs. We can go back to the start menu by clicking on the back option. The start menu can also be used to shoot down the computer by clicking on the shoot down button. Some of the icons in the start menu have this is called a small arrow next to them pointing the mouse pointer. Over these items opens another list. This is called sub menu. Very good. Okay. सो स्टार्ट बटन एक ये एक्सट्रीमी लेफ्ट टास्क बार का होता है, यहाँ पर कॉर्नर में दिया होता है। सो द नेम इटसेल्फ टेल अस दैट मोस्ट ऑफ अस कंप्यूटर वर्क विल बिगिन विद दिस बटन, मतलब जितने काम होते हैं मेनली इस बटन से होते हैं। सो क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, क्लिक करो स्टार्ट बटन पे एंड ओपन करो स्टार्ट मेन्यू, मतलब जैसे आप क्लिक करोगे तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। सो इट इज डिस्प्ले, वो दिखने लग जाएगा लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शंस की लिस्ट दिखने लग जाएगी आपको। सो क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, जब आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो ऑप्शंस इन द स्टार्ट मेन्यू, तो स्टार्ट मेन्यू में आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे टू ओपन लिस्ट ऑफ प्रोग्राम, उससे आप और भी प्रोग्राम ऑन कर सकती हो। वी कैन गो बैक टू द स्टार्ट मेन्यू, हम वापस वहीं पे आ सकते हैं। जैसे कि आपने स्टार्ट मेन्यू, आप गए स्टार्ट, यहाँ पर स्टार्ट बटन पे आपने फिर किया स्टार्ट मेन्यू, फिर आपने ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद आपको सारे प्रोग्राम दिखेंगे। तो आपने सर्च में टाइप कर दिया टक्स पेंट, तो टक्स पेंट जब आपको दिखाई देने लग जाएगा तो यही सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें स्टार्ट मेन्यू में ये सब में दिखते हैं। So, by clicking on the back option, जब हम back option पे click करेंगे तो the start menu can also be used to shut down, तो वो भी अपने आप shut down होता रहेगा start menu. The computer by clicking the shut down, जब हम यहाँ पर shut down पे click करेंगे button पे, तो some of the icon in start menu, जो start menu में button अभी भी बचे हुए हैं जिनको आपने अभी program को close नहीं किया, जो अभी भी ओपन है, तो हैव ए स्मॉल मतलब एरो से आपको दिखाई देते हैं नेक्स्ट टू देम, वो अगली बार भी खुल जाते हैं। तो होल्डिंग द माउस पॉइंटर, मतलब माउस पॉइंटर को होल्ड रखो तो ओवर दिस आइटम टू ओपन अदर लिस्ट, दिस इज कॉल्ड सब मेन्यू, तो वो भी किसी और लिस्ट में ओपन होती है तो उनको हम बोलेंगे सब मेन्यू। तो आपको अगर मैं एक ईजी वे में समझाऊं तो आप स्टार्ट बटन में जाने के बाद आप कुछ भी सर्च कर सकती हो, जैसे कि आप पेंट सर्च कर सकती हो, आप टक्स पेंट, एमएस पेंट, एमएस ऑफिस, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आप सर्च कर सकती हो, आपका आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है,
ओके मैम। अब देखो यहाँ एक सिस्टम आपको बना के दिखाया है, स्टार्ट बटन पे आपने पहले क्लिक किया, फिर यहाँ पे है ऑल प्रोग्राम। ओके मैम। तो ऑल प्रोग्राम पे आपने क्लिक किया तो यह है स्टार्ट बटन, ओपन द स्टार्ट मेन्यू, तो ये था। फिर उसके बाद आपने यहाँ क्लिक किया जो शट डाउन बटन, तो शट डाउन पे आपने क्लिक कर दिया। सो ए लिस्ट ऑफ प्रोग्राम इन ऑल द प्रोग्राम ऑप्शन, तो ऐसे आपको ऑप्शन भी दिखाते हैं, ठीक है। ओके मैम। यस, तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ आपको बताया है, यहाँ पर आपको आइकन्स के बारे में बताया है। ओके, तो द मिडल सेक्शन द टास्क बार शो क्विक, मतलब आपको क्विक लंच आइकन दिखाया जाता है, वो कैसे दिखाएंगे वो हम इसमें बात करेंगे। सो अलीना इसको रीड करो आप। ओके मैम। क्विक टास्क आइकन्स द मिडल सेक्शन ऑफ द टास्क बार शोस क्विक टास्क आइकन्स ऑफ द प्रोग्राम्स एंड डॉक्यूमेंट्स that have been opened as icons are used to open program. Quickly we can add any programs from the start all programs menu to the taskbar quick wrap icons by following these steps. ओके गुड। सो क्विक लॉन्च आइकन्स, ऐसे आइकन्स जो कभी भी बंद नहीं होते हैं और आपके टास्क बार में रहते हैं जब तक आप शट डाउन ना करो। अगर आप शट डाउन करते हो तो वो बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनको स्लीप मोड पे करते हो तो वो ऑन रहते हैं। सो अब मैंने आपको बता दिया क्विक लॉन्च आइकन क्या होते हैं। तो द मिडल सेक्शन मतलब उसमें आपको क्विक लॉन्च आइकन आपको नीचे दिखाते हैं प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्स जो आपके ओपन रहते हैं, जो आप रेगुलर ओपन रखते हो, तो दीज आइकन आर यूज टू ओपन प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम का मतलब वो प्रोग्राम आपका ओपन रहता है एंड प्रोग्राम क्विकली ओपन भी हो जाता है। तो वी कैन एड एनी प्रोग्राम फ्रॉम द स्टार्ट और ऑल प्रोग्राम, हम कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट में और ऑल प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं इन दोनों मेन्यू में, यानी स्टार्ट मेन्यू और ऑल प्रोग्राम में। टू द टास्क बार क्विक लॉन्च आइकन बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स, तो हमें नीचे स्टेप्स बता रखा है जिससे हम कैसे क्विक लॉन्च आइकन्स कर सकते हैं उसे स्टेप्स। तो सबसे पहले है ओपन द स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम एंड यू वन टू एड, एंड जब आप उसको ऑल प्रोग्राम करोगे तो फिर उसमें कुछ भी एड कर दो। सिलेक्ट पिन टू टास्क बार ऑप्शन, तो आप पिन सिलेक्ट करो और टास्क बार में ऑप्शन कर दो, ऑप्शन होते हैं तो आप ओके कर दो। सो एडिंग प्रोग्राम टू टास्क बार, अगर आपका ये क्वेश्चन आएगा कि आपको क्विक लॉन्च के आइकन्स के बताने हैं तो आपको यही स्टेप्स लिखने हैं, ये स्टेप्स लिखने होंगे आपको। तो इस अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो ये आपको लिखना है। तो अब हम चलते हैं। यस ओके, सो वी कैन ऑल्सो ड्रॉ माई प्रोग्राम आइकन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू, हम अपने प्रोग्राम को ड्रॉ भी कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू में ऑफ फॉर्म ऑफ लिस्ट, लिस्ट के फॉर्म में, इन ऑल प्रोग्राम एंड ड्रॉप इट ऑन, मतलब ड्रॉप यानी छोड़ना इट ऑन टास्क बार एज ए क्विक लॉन्च आइकन। अब मैं आपको ये एक छोटा सा करके दिखाती हूँ। अलीना आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ? तो बेटा पूछा करो ना कि मैम ये मुझे समझ में नहीं आया, आप दोबारा समझा दो। क्योंकि अगर ये चीज देखो, ये कंप्यूटर की चीजें हैं, ये आप जितना सीखोगे आपके फ्यूचर के लिए वो उतना बेस्ट है। आप कंप्यूटर से हर चीज करके कुछ भी कर सकते हो। तो जहाँ डाउट होता है ना वहां पे मेरे से 50 बार पूछा करो, ठीक है? वेरी गुड लगा।
ठीक है, तो अब देखो ये मेरा नीचे टास्क बार है एंड यहाँ पे मैं कुछ भी क्लिक करूंगी एंड वो सडनली ओपन हो जाएगा। मैंने डबल क्लिक किया है ये ईमेल को और ये तुरंत ओपन हो गया है। अब मैं इसको कट कर रही हूँ, इसके बाद मैं आपको वो नीचे कैसे क्विक लॉन्च आइकन्स करते हैं वो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे कुछ ऑप्शंस हैं। अब यहाँ से मैंने यहाँ पर पावर पेंट जो मैं यूज नहीं करती हूँ तो ये यहाँ पर है, आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। तो सबसे पहले तो आप कोई भी आइकन यहाँ से वहां मूव कर सकते हो। मैंने इसको तो आप कहीं से भी मूव कर सकते हो। तो आप मैं अब आपको इसको करके दिखाती हूँ वहां पे नीचे टास्क बार। तो जैसे कि मैंने लिया है एक्सेल, एक्सेल मैंने खींचा 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 और नीचे यहाँ पे आ रहा है पिन टू टास्क बार, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये नीचे आप देखो, ये नीचे यहाँ पर मेरा आ गया। मैंने इसको डबल क्लिक किया एंड ये ओपन हो रहा है। अभी ये स्क्रोलिंग हो रहा है, लोडिंग हो रहा है, तो अभी ये ओपन हो रहा है। तो ये ओपन हो गया। तो जो हमें यहाँ पर सर्च करना है वो हमें अगर टाइम ले रहा है तो हम अपने टास्क बार में वो दो चार चीजें रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जैसे यहाँ पर मेरा पीडीएफ खुलने वाला एक सॉफ्टवेयर है, मेरा वो है जूम है और मेरा बल्कि फाइल्स है, ईमेल है और गूगल क्रोम है, बाकी एक दो चीजें ही हैं, बाकी सारी मैं यही रखती हूँ। जो इम्पोर्टेंट वाली है वो आप टास्क बार में रखो, ठीक है? ओके। सो द प्रोग्राम आइकन अपीयर ऑन द टास्क बार, क्लिक ऑन द क्विक लॉन्च आइकन टू ओपन द प्रोग्राम। तो आप इनको जब क्लिक करोगे तो ये तुरंत ओपन हो जाएंगे। एंड वी कैन ऑल्सो रिमूव any program from the task bar by following this step giving in it. अब आपको ये steps दे रखा है कि कैसे आप नीचे से टास्क बार रिमूव भी कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो जो टास्क बार में अपने प्रोग्राम डाला है। तो राइट क्लिक ऑन द प्रोग्राम, प्रोग्राम पे सबसे पहले राइट क्लिक करो एंड क्लिक ऑन द, मतलब फिर आपको ये वाले ऑप्शन चुनने हैं। तो हम चलते हैं अपने बुक पे, स्क्रीन पे मतलब। ओके सो ओके सो मैं यहाँ आ गई। अब मैं इसको, मैंने ये जो यहाँ पर किया है ये मैं अब यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। आप ध्यान से देख रहे हो ना लीना? अलीना अलीना यस मैम। ध्यान से देखना। सो रिमूविंग ए प्रोग्राम फ्रॉम द टास्क बार, तो टास्क बार से प्रोग्राम को रिमूव करना, सबसे पहले तो उस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है मेरा, फर्स्ट रूटीन एंड एक्सेल, और नीचे आ रहा है अनपिन। जैसे अगर मेरा सेकेंड स्टेप था, क्लिक ऑन अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम द टास्क बार ऑप्शन, ये हमारा सेकेंड स्टेप था। तो इसमें मेरे थर्ड पे आ रहा है अनपिन फ्रॉम टास्क बार, तो मैंने इसे क्लिक कर दिया और नीचे से मेरा जो एक्सेल था वो डिलीट हो गया। आपको दिखाई दे रहा है लीना? यस मैम। नीचे से मेरा एक्सेल मैंने रिमूव कर दिया, आपको दिखाई दिया? यस मैम यस। ओके सो अब ये हमारा थोड़ा सा रह रहा है, ये हमारा नोटिफिकेशन है, ये डजंट इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है? या इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड ये आपका एक एक्टिविटी है, तो ये आपको नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पर हमारा और है तो हम इसको करेंगे। तो वी कैन चेंज द पोजिशन फ्रॉम द टास्क बार ऑफ द डेस्कटॉप, हम इसके पोजिशन को चेंज कर सकते हैं आइकन्स के। लेट्स ट्राई दिस स्टेप्स, तो ये स्टेप्स हैं फिर। और यहाँ पे आपको एक्टिविटी इन लैब में बता रखा है, मूव द टास्क बार टू द लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन, तो राइट से लेफ्ट करना, लेफ्ट से राइट करना, ऐसा यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। तो राइट क्लिक ऑन द टास्क बार एंड क्लिक ऑन द लॉक द टास्क बार एंड ऑप्शंस टू अनचेक इट,
तो ये आपकी एक एक्टिविटी है जो आपको घर के लैपटॉप से करके मुझे फोटो भेजना कि मैम मैंने राइट मतलब लेफ्ट से राइट कर लिया। ठीक है, ओके अलीना। यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी रहने देते हैं, बाकी हम बाद में करेंगे। ठीक है, और अलीना याद से आप अपनी रीडिंग भेज देना मुझे और एक्सप्लेन। ठीक है, ओके मैम। ओके बाय बाय। ओके मैम। ओके, हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, तो आप हम यहाँ पर आएंगे क्योंकि हमारा पिछला डन हो चुका है, तो हम यहाँ पर आएंगे नोटिफिकेशन एरिया पे। सो अलीना आप बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक रीडिंग करो। ओके मैम। The right side of the taskbar is known as notifications area, which includes a clock and group of icons that provide status and notifications about things like updates, network, connectivity. Connectivity, incoming mail, battery, volume, etc. Okay, very good. Okay, सबसे पहले आप मान लो कि आपको इतना बड़ा वर्ड एक साथ दिया गया है जो हमें पढ़ना नहीं आता, हमें मतलब मुझे क्या बहुत सारे लोगों को पढ़ना नहीं आता जो बहुत बड़े वर्ड दिए होते, तो वो लोगों की ना एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है कि वो लोग वर्ड्स को यानी ये जो लेटर है अभी जो हमें ये बोलना नहीं आ रहा था इसको वो लोग तोड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो मैं आपको अगर एक सिंपल वे में सिखा रही हूँ जो इन फ्यूचर आपको कुछ भी चीज रीडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ पर ये पूरी लेटर लिखा है, मैं एक साथ अभी बिल्कुल नहीं बोलूंगी तो ये मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन मैं इसको तोड़ के बोल सकती हूँ। जैसे CON कैन एन ई सी कैनेक्ट कनेक्टिविटी, लो मुझे पढ़ना आ गया। तो हम जो शब्द को बोलना नहीं आता है, जो वर्ड को बोलना नहीं आता है, उसको हम ऐसे तोड़ के बोल सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। तो अच्छा यहाँ पे इन्होंने बताया क्या है वो तो मैं आपको बताने ही भूल गई, चलो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है अलीना, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट सबके फोन में आता है, कंप्यूटर्स में आता है, तो आप मुझे बताओ कि नोटिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन अब आपके फोन में भी कोई मान लो आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो जब कोई वहां से वीडियो लॉन्च करते हैं तो आपके फोन में बेल बजती है ना कि कोई नोटिफिकेशन आया है। Yes, ma'am. हाँ, तो बस उसी को नोटिफिकेशन बोलते हैं। तो नोटिफिकेशन कोई भी चीज हमारे फोन में आना, हमें बताना कि ये चीज आप में आई है, हमें नोटिफिकेशन देना, हमें बताना कि ये चीज आई है। तो अब इसमें हमें नोटिफिकेशन एरिया बोला है, जैसा कि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर 2 में हम पढ़ रहे हैं विंडोज 7 के बारे में। सो विंडोज 7 में द राइट साइड ऑफ द टास्क बार उसमें आता है नोटिफिकेशन का एरिया, एंड उसमें फिर आपको क्लॉक भी बता रखा है, ग्रुप ऑफ आइकन्स, उसमें आइकन्स भी होते हैं ग्रुप में, एंड स्टेटस भी आपका दिखाता है, एंड नोटिफिकेशन के बारे में भी बताता है, नोटिफिकेशन अबाउट थिंग्स एंड नोटिफिकेशन उसकी चीजों के बारे में भी जो नोटिफिकेशन आता है, एंड लाइक अपडेट करना यानी किसी को भी दोबारा से ठीक करना, जैसे मेरा फोन है काम नहीं कर रहा तो मैं उसको अपडेट करूंगी, मतलब काफी उसमें स्टोरेज हो गया, काफी उसमें चीजें हो गई, अपडेट करने से वो सारी चीजें फ्रेश हो जाएंगी। सो नेटवर्क, ये सारी चीजें, इनकमिंग मेल, जो मेल आपकी आती है, आपके लैपटॉप में बैटरी कितनी है, वॉल्यूम, तो ये सब इसमें बताता है। अब मैं आपको, अभी तो मेरा विंडो 10 है इसीलिए मैं आपको विंडो 10 में ही दिखाती हूँ।
की कहाँ है, क्योंकि विंडो 10 में भी ऑलमोस्ट वैसा ही दिया होता है. सो मैंने अभी आपको अपनी स्क्रीन शेयर की है और मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ, तो कुछ ऐसा शो हो रहा है मेरा स्क्रीन. तो अब आप देखोगे कि जो मुझे दिखाना है वो यहाँ पे, ये मेरा नोटिफिकेशन एरिया है जहां पर मुझे नोटिफिकेशन दिखाई देता है, और यहाँ पर खाली बता रखा है इनकमिंग मेल. तो अगर मेल भी आई होगी तो इसी में दिखाएगा, और यहाँ अगर ये लैपटॉप होता तो यहाँ पर इसकी बैटरी भी दिखाती, और बैटरी के साथ यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह भी दिखाता है, जैसे मैं भी आपको बताती हूँ. तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन एरिया हो गया, यहाँ पर इसकी वॉल्यूम हो गया, तो और लैपटॉप में यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर बैटरी जरूर दिखाता है. तो ये मेरा विंडो 10 है, लेकिन कुछ विंडो 7 जैसे ही है. तो अब मैं आपको यहाँ नोटिफिकेशन वाला ऑन कर रही हूँ. तो नोटिफिकेशन पे जब मैंने ऑन किया है, अभी मैंने सिर्फ सिंगल क्लिक किया है और ये मेरा ऑन हो गया. अब कितने मैंने कितनी बार अपडेट किया है, वायरस से कितनी बार प्रोटेक्ट किया है, तो इसमें पूरे अपडेट ऐसे ऐसे आ जाते हैं. इंस्टाग्राम में कितने नोटिफिकेशन आए हैं, तो सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर आके मेरे सेफ हो जाते हैं. तो वॉल्यूम वाला यहाँ पर हमें दे रखा है, तो मैंने इसको सिंगल क्लिक किया है, राइट क्लिक. सो अब आप देखो यहाँ मेरा वॉल्यूम का आ गया, स्पीकर ज्यादा करना है कम करना है. सो यहाँ पर मेरा वॉल्यूम का बता दिया. तो यहाँ तक आपको क्लियर है नोटिफिकेशन एरिया का? यस मैम. ओके गुड. सो अब हमारा नेक्स्ट है सिस्टम क्लॉक. तो द सिस्टम क्लॉक जो होता है वो डिस्प्ले होता है, मतलब हमारे डेटा एंड टाइम, डेट और टाइम हमें दिखाता है, शो करता है, तो वो भी हमारा बगल में होता है. मैं अब आपको चीजों को साथ साथ दिखाने की कोशिश करती हूँ. जैसा कि हम दोबारा से अपने विंडो पे आ गए, और विंडो पे आने के बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको टाइम और आज का डेट दिखाई दे रहा है. यस मैम. मैं इसको क्लिक करके बड़ा करके भी आपको दिखा सकती हूँ. मैंने इस पे सिंगल क्लिक किया है और ये मेरा कुछ इस प्रकार ओपन हो गया है. ऊपर टाइमिंग चल रही है, नीचे हमारा कौन सा डे है, कौन सा महीना है और कौन सा साल चल रहा है, सारी डिटेल है. ठीक है. ओके मैम. गुड. तो हमारा क्लॉक सिस्टम हो गया था. अब हम चलते हैं अपना शो डेस्कटॉप बटन. तो डेस्कटॉप बटन जो शो होता है हमें, तो अलीना आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो. अलीना रीड करो यहाँ से यहाँ तक. ओके मैम. ओके. द शो डेस्कटॉप बटन इज प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर of the text bar. Clicking on this button minimize all open programs and displays the desktop. Okay. Now I explain. So, यहाँ पे सबसे पहले डेस्कटॉप का बटन बताया है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरा. कहाँ पर मैम? ऊपर ऊपर ऊपर. यस मैम. हाँ, तो इसमें बताया गया है कि आपके डेस्कटॉप पे कुछ जो प्रेजेंट होता है, यानी अभी आपको जो मैंने पीडीएफ बुक जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है. तो हमारे राइट कॉर्नर में एक मतलब ऐसा बटन होता है जो हम अगर मिनिमाइज करें, मिनिमाइज होता है ये जो माइनस जैसा बना है, इसको बोलते हैं मिनिमाइज. मिनिमाइज का मतलब होता है कि ये यहाँ से बंद हो जाएगा लेकिन क्लोज नहीं होगा, क्योंकि क्लोज बटन हमारा ये है जो हमने टेक्स्ट पेंट में भी काफी बातें की हैं, एमएस वर्ड में भी काफी बातें की हैं. तो मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल करके दिखाती हूँ. सो मैंने यहाँ पर मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर देती हूँ जिससे आपको हर चीज स्क्रीन की दिखाई दे. तो मैंने अभी आपको स्क्रीन शेयर की है, अब आप देखो ये मिनिमाइज है. अब मैं इसको क्लिक करूंगी तो आप देखना क्या होता है. अभी मैं इसको बेटा स्क्रीन शेयर हो गया, आपको ये रेड कलर की पेन दिखाई दे रही है?
यस मैम। हाँ तो बस जहां मेरा पेन होगा आपको नजर सिर्फ वहीं रखना है, ऊपर के साइड। ओके मैम। तो इसको बोलते हैं मिनिमाइज। अब मैं आपको ये मिनिमाइज करके दिखाऊंगी। अब देखो मैंने अपना पॉइंटर, ये जो व्हाइट वाला चल रहा है इसको हम बोलते हैं पॉइंटर। तो पॉइंटर को मैंने यहाँ मिनिमाइज पे रखा। अब यहाँ पर अगर आप कुछ देर रखोगे ना तो यहाँ पर आप मेरा फोन जूम करके देखो स्क्रीन को कि वहां पर लिखा आ रहा है मिनिमाइज। अगर आप देखोगे, अब तो हट गया, मैं दोबारा रखती हूँ। अब मैंने दोबारा रखा है वहां पर, अब नीचे आ गया मिनिमाइज। तो मिनिमाइज का मतलब होता है उसको क्लोज कर देना। अभी मैंने अगर इसको दबाया तो ये बंद हो गया, देखो ये बंद हो गया। अब क्या है कि जो मैंने पीडीएफ खोला था, यानी ये देखो यहाँ मैंने खोला था, तो ये दोबारा ओपन हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको मिनिमाइज किया था, मैंने इसको बंद नहीं किया था। और इस पे अगर मैं रखूं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रिस्टोर डाउन बोलते हैं। रिस्टोर डाउन का मतलब होता है कि आप इसको किसी भी साइज में ले सकते हो। मैंने अब इसको क्लिक किया, आप देखो मेरा ये छोटा हो गया, तो अब मैं इसको बड़ा कर सकती हूँ मेरी मर्जी। मैं इसको छोटा कर सकती हूँ, नीचे कर सकती हूँ, ऊपर कर सकती हूँ, एज माई विश। मतलब मेरी अपनी मर्जी से इसको जो मर्जी वो साइज दे सकती हूँ। दिखाई दे रहा है आपको? ओके मैम, यस मैम। और लास्ट वाला हमारा होता है क्लोज, यानी इस पीडीएफ को, यानी इस बुक को बंद करने के लिए लास्ट वाला जो कट लिखा है यानी क्लोज, उसको हमें दबाना होता है। ठीक है? ओके मैम। तो अब हमारा यहाँ पर आ गया स्क्रीन, यहाँ पर क्या आ गया हमारा, रीड करो। ओके तो अब आप इसको यहाँ से यहाँ तक करो। ओके मैम, आई स्क्रीन सेवर इज एन इमेज इमेज दैट अपर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन व्हेन एवर आवर कंप्यूटर इज लेफ्ट वी लीव फॉर अ शॉर्ट टाइम। ओके सो यहाँ पर इमेज लिखा था, यहाँ पर स्क्रीन लिखा था और यहाँ पर आइडल लिखा था। तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर मैं आपको एक कम शब्दों में बताऊं, तो जब कंप्यूटर को हम बंद करते हैं, यानी कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, तो मेरा कंप्यूटर अपने आप स्लीप मोड पे चला जाता है, यानी वो सो जाता है। और जब मैं ऑन करती हूँ तो वो कुछ, अभी मैं नीचे करके दिखाती हूँ आपको, तो वो कुछ ऐसा होता है। ऐसा तो नहीं होता, मतलब मेरे में तो ब्लू कलर का आता है, लेकिन स्क्रीन ऐसे ऑन होता है। यानी अगर आप कंप्यूटर को चालू करके कुछ टाइम के लिए छोड़ दो तो वो अपने आप ही स्लीप मोड पे चला जाता है, और जब आप कोई भी कीबोर्ड का की प्रेस करोगे स्पेस बार, वो अपने आप फिर जग जाएगा। ठीक है? ओके मैम। मैंने इसके बारे में वीडियो बनाकर डाला है और इसमें दिखाया है कि शट डाउन और हम स्टार्ट कैसे करते हैं, तो वो आप जरूर देखना, वो वीडियो मैं भी आपको भेज देती हूँ। और यहाँ नीचे देखो, यहाँ पर आपको राइट बताया गया है, यहाँ पर मतलब आपको वर्ड दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कॉन कॉइन। तो अब आपको देखना है कि कॉइन एक साथ कहाँ मिल रहा है, तो वो फिर आपको एक साथ जोड़ना है। ठीक है? जैसे कि अभी आप देखो, मैं सोच रही थी कि ये बन जाएगा लेकिन ये नहीं बन रहा, तो आपको वही देखना है कि कॉइन कैसे बनेगा। और यहाँ का जैसे दे रखा है ये नाम आपको यहाँ कैसे आप लाइन ड्रॉ करके बना सकते हो। ठीक है? तो ये आपका एक प्रकार से होमवर्क है, और आपको शट डाउन के बारे में और स्टार्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट लो। ओके मैम। मैम ये करना है ना? हाँ हाँ ये करना है। ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया? यस मैम। मैम ओके मैम, जितना भी मतलब डार्ट्स है, कॉइन है, पेरिडॉक है, मैम ये सब जोड़ना है मतलब। हाँ, ये जो यहाँ पर दिया गया है आपको वो यहीं पर बनाना है।
ठीक है, तो इसमें हाँ, तो अभी आप 1 मिनट वेट करो, मुझे एक मैम मिनट ये हाँ डॉट हाँ डॉट में जो लाइन बना हुआ है उसमें क्या करना है? हाँ इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये आपको ऐसे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पर सर्कल करके मुझे भेजना है, और आप 1 मिनट वेट करो, मुझे आपको कुछ दिखाना है, ठीक है? 1 मिनट आप वेट करो। ओके मैम। गुड। ओके अलीना, मैं अब आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। ओके मैम। तो यहाँ पे पहले आपको नेटफ्लिक्स पे आना है, उसके बाद ए यहाँ छोड़कर यहाँ नीचे आना है, ये ब्लू वाले में। तो यहाँ पर ऑन और ऑफ के बारे में बता रखा है, हाउ टू शट डाउन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कैसे शट डाउन होगा इसके बारे में बताया, मैं एक बार क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने अभी इसको जस्ट ऑन किया है, तो यहाँ पर वॉइस आपको मे भी नहीं आएगी क्योंकि वीडियो में वॉइस नहीं आती है। अब मैंने इसको थोड़ा आगे किया है, मैं आपको वो सीन दिखाना चाह रही हूँ जब ये शटडाउन होता है तो इसकी क्या इमेज रहती है, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ओके मैम। तो अभी अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, और मैं भेज भी दूंगी। यहाँ पर आपको स्टेप्स दे रखे हैं रीस्टार्ट के लिए भी, और आपको ऊपर जो है वो शटडाउन के लिए दे रखा है, तो उसके आगे जब आप क्लिक करते हो तो उसकी डेफिनेशन भी आती है, और आप थोड़ा और आगे करोगे तो आपको शटडाउन होने के बाद कैसा सीन दिखाया जाता है वो भी इसमें बताया गया है, ठीक है? तो ये दोनों वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगी, याद से आप देख लेना, और अब आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है? ओके मैम। हाँ, और दोनों वीडियो में नीचे कमेंट करना कि मैम मेरा डन हो गया है, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आपने किस टाइम देखा है और आपका डन हो गया है, तो मैं कल टेस्ट ले सकूं, ठीक है? ओके मैम। ओके, तो हम क्लास ओवर करते हैं, बाय बाय। ओके मैम। बाय बाय मैम। यस मैम आई सी। ओके, वेरी गुड। सो अब वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द टास्क बार ऑन द डेस्कटॉप, लेट अस ट्राई द फॉलोइंग, मेरे यहाँ में रखा है, फॉलोइंग एक्टिविटी इन द कंप्यूटर लैब। सो अब यहाँ पे हमें टास्क बार, अब टास्क बार के मैंने आपको बताया था कि टास्क बार वो होता है जो सब आपको कंप्यूटर के यानी मॉनिटर के जितने नीचे जो छोटे छोटे आइकन्स दिए होते हैं, जो नीचे के साइड होते हैं जहां पर हमारे टाइमर होता है, क्लॉक होता है ना? यस उस साइड होता है। तो अब हमें ये करना यहाँ पे सिखाएंगे, तो सबसे पहले मूव द टास्क बार टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। अगर आपको लेफ्ट साइड अपना टास्क बार करना है, अब टास्क बार देखो ये होता है जो कि नीचे होता है, लेकिन ये टास्क बार यहाँ पर है, यहाँ ये। सो अब यहाँ पे नीचे हमें स्टेप्स दे रखे हैं, तो राइट क्लिक ऑन द टास्क बार एंड क्लिक ऑन द लॉक द टास्क बार ऑप्शन टू अनलॉक इट। दूसरा स्टेप है ड्रैग द टास्क बार टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन एंड ड्रॉप इट देयर। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर, क्योंकि हम ये स्टेप करके देखेंगे। तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, और मैंने अब आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो लीना ओके बताओ, इनमें से टास्क बार कौन सा है, जहां पे भी है अपने मैम। मेरे स्क्रीन में टास्क बार कहाँ है? आपके फोन में पेन का ऑप्शन है, उसको क्लिक करके वहां पे आप टिक करो। ओके मैम। टैक्स बार ना। ओके मैम।
ये टास्क बार है। अलीना, क्या ये टास्क बार है? अलीना, क्या ये टास्क बार है? ये क्या मैम? आपने जहां पे ये किया है, ये टास्क बार है? बेटा, यस मैंने पूछा है कि आपने कहां पर किया है, वो मुझे बताओ थोड़ा सही से। मैम, ये ये टिक करो, वहां पे टिक करो। बताओ टास्क बार कहाँ है, जल्दी से टिक करो, तब हम आगे बढ़े। मैम, कोई बात नहीं, अब करो आप अपना पेन का सेक्शन ऑन करके क्लिक करो। ये पूरा टास्क बार है। वेरी गुड, या ये पूरा टास्क बार है। गुड गुड गुड। ओके, तो अब हम जानेंगे इस टास्क बार को हम अपने राइट साइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्टेप वन और स्टेप टू फॉलो करना है। सबसे पहला था राइट क्लिक ऑन द टास्क बार, राइट क्लिक करना है टास्क बार पे, एंड फिर इसमें आ रहा है एंड क्लिक ऑन द लॉक द टास्क बार। अब हमें क्लिक करना है लॉक द टास्क बार पे। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि लॉक द टास्क बार कहाँ है। अरे अलीना, मुझे बताओ कहाँ पे है, फिर मैं वहीं क्लिक करूंगी। ये जो मैंने अब छोटा सा मेन्यू खोला है, टूल बार्स बोलते हैं इसे, तो आप मुझे क्लिक करके इसी में बता। मैम, इसी में होएगा। हाँ, ये जो मैंने खोला है इसको टूल बार्स बोलते हैं, तो इसमें आप देखो कि लॉक द टास्क बार कहाँ पे है, फिर मैं उसको क्लिक करूंगी। व्हाट मैम? ये जो मैंने यहाँ पे ये खोला है ना, यस मैम। आपको इनमें से बताना है कि लॉक द टास्क बार कहाँ लिखा हुआ है। ओके मैम, ओके मैम। कहाँ है बेटा, जल्दी करो। मैम 2 मिनट, ओके, मिल गया। कहाँ है, क्लिक कर मुझे बताओ आप। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो अब हम लॉक द टास्क बार को क्लिक करेंगे। तो मैंने क्लिक कर दिया, अब मेरा ये जो टास्क बार है ये लॉक हो गया है। ठीक है, अब उसको क्या करना है, ऑप्शन टू अनचेक इट। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको, मतलब स्टेप टू है हमारा, मतलब इसको उठाकर लेफ्ट साइड में डालना है स्क्रीन के, वहां पर उसको छोड़ देना, उसको ड्रॉप कर देना। तो मैंने इसको पकड़ रखा है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, पहले मेरे को करना पड़ेगा लॉक द, मतलब अनलॉक करना पड़ेगा शायद। हाँ, तो अब क्या करना है, मुझे इसको पकड़ कर वहां साइड में डालना है। देखा आपने जादू? ओके हाँ, तो मैंने बस क्या किया, यहां से इसको उठाया और यहां पर छोड़ दिया। अगर हमें अब वापस करना है तो हम मैम, वापस कैसे कर सकते हैं, इसको हमने खींचा और नीचे कर दिया, तो आप देखो ये नीचे का वापस नीचे आ गया। मैम। तो ये बहुत आसान है। अगर आपको इसको कहीं ऊपर से नीचे नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से लॉक द टास्क बार करोगे तो आप कहीं भी यहाँ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके मैम। ओके गुड। तो अब आपको ये मूव द टास्क बार के बारे में पता चल गया। यस मैम। गुड, ओके गुड। सो अब हम बात करने वाले हैं चेंजिंग विंडोज आइकन्स, सॉरी थीम्स। थीम का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि आपके फोन में अलग अलग डिजाइन के फोटो लगे होते हैं फ्रंट पे, उसको हम थीम बोलते हैं। ठीक ओके मैम।
थीम इज द लॉक एंड फील ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम चेंजिंग द थीम ऑफ द विंडो चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड विंडो कलर साउंड एंड स्क्रीन सर्वर. तो आपको इसमें बोल रखा है जो थीम है आप उसको चेंज कर सकते हो, और विंडो पे जो फोटो लगी है ये वाली फोटो लगी है आप इसको चेंज कर सकते हो, और इसका बैकग्राउंड यानी अगर आपको सिर्फ एक कलर का रखना है तो आप एक कलर का रख सकते हो, या फिर कोई फोटो लगा सकते हो, आप साउंड बदल सकते हो स्क्रीन का. तो स्टेप टू चेंज विंडो मतलब थीम आर शो गिविंग इन फिगर. तो नीचे आपको स्टेप्स दे रखे हैं कि कैसे कैसे हमें करना है. तो स्टेप वन रीड करो अलीना. ओके मैम. राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, क्लिक ऑन द पर्सनलाइज ऑप्शन इन द शॉर्टकट मेन्यू. गुड. सेकेंड स्टेप. ओके मैम. द पर्सनलाइजेशन विंडो अपर द पर्सनलाइजेशन विंडो अपर. थर्ड स्टेप. क्लिक ऑन द डैम ऑफ योर चॉइस. ओके. एंड लास्ट में हमारा कुछ ऐसा होगा अगर हमने थीम चेंज किया था. तो थीम चेंज कर सकते हैं, फोटो चेंज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे. स्क्रीन पे जाने के बाद हम स्टेप्स फॉलो करेंगे. स्टेप वन है राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप. तो डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कर दिया एंड क्लिक ऑन द पर्सनलाइजेशन ऑप्शन. पर्सनलाइज ऑप्शन तो वो इसमें है. हाँ, सबसे नीचे वाला देखो वही है. ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया. Yes, ma'am. ये हो जैसे हम इसको करेंगे तो एक शॉर्टकट मेन्यू खुलता है. अब हम आ गए हैं अपने स्टेप टू पे. अब पर्सनलाइजेशन विंडो पियर्स. तो अब देखो मैंने अभी आप मेरा जब स्क्रीन देखते हो तो आपको इस तरह दिखाई देता है ना. Yes, ma'am. ये देखो नीचे दिखा है चॉइस योर पिक्चर. तो मैं कोई भी फोटो यहाँ पे चॉइस कर सकती हूँ तो जितने भी हैं, और वो आप फिर ओपन हो जाएगा. या चाहूँ तो मैं अभी देखो यहाँ पर बैकग्राउंड है, अलग अलग कलर हैं, कलर्स हैं, स्क्रीन लॉक है, थीम्स है. तो अभी हम जो हैं अभी हम पर्सनलाइजेशन में. तो अगर हम थीम पर जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे ऐसे फोटो मिलेंगे जैसे विंडो, विंडो राइट, विंडो टेन और फ्लावर्स, जिसमें 6 फोटो हैं और इसमें 5 फोटो हैं, 5 इमेजेस. अगर मैंने इस पे क्लिक किया है तो मुझे फोटो दिखाया जाएगा. अलीना ध्यान से देखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. ठीक है. यस मैम. देखिए तो मैंने इसको क्लिक किया तो अभी ओपन ही हो रहा है. अच्छा, इसको अगर मैं सिलेक्ट करूंगी तो इसमें 5 फोटो है, तो वो 5ों फोटो चेंज होती रहेगी जो मेरे यहाँ पर है. और यहाँ पर 6 फ्लावर्स हैं तो फ्लावर्स के 6 फोटो आएंगे. तो मैं अब क्या करूँ, तो मेरा ये हो गया. तो अब थर्ड स्टेप था क्लिक ऑन द थीम ऑफ योर चॉइस. तो अब मैं कुछ भी चॉइस कर सकती हूँ. तो मैंने ये कर लिया है और यूज कस्टम थीम. तो ये मेरा है. अब इसको हम क्या करना है हमें. सो ये मेरा वापस वैसे ही हो गया क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं किया था. तो मैंने दोबारा से इस पे क्लिक किया. अब मैं यहाँ आ गई. अब आप देखो कि मेरा ये चेंज हो गया है. यस मैम. ओके, अगर आप मुझे वापस वही लाना है तो मैं वापस वही जाऊंगी और मैं अपना कुछ भी चॉइस कर सकती हूँ. जैसे मैं बैकग्राउंड पे जाती हूँ तो बैकग्राउंड पे जाने के बाद मेरा जो मतलब लास्ट है वो ऐसा है. मैं कलर पे जा सकती हूँ कि मुझे कलर कौन सा रखना है. ये देखो बहुत सारे कलर्स हैं. मैं फिर उसके बाद फॉन्ट, यानी फॉन्ट का मतलब होता है साइज, यानी आपको कौन से साइज में लैंग्वेजेस चाहिए. अभी मैंने नॉर्मल लैंग्वेज कर रखी है. अगर मैं कोई स्टाइल वाला लैंग्वेज कर दू तो फिर उसी लैंग्वेज में मुझे सारे मैसेजेस आएंगे. फिर हमारा है स्टार्ट.
वहीं पर चले जाएंगे और ये हमारा है टास्क बार, तो हम वापस में टास्क बार। अगर मैं फॉन्ट अपना चेंज करना चाहूँ तो मैंने फॉन्ट पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे इंस्टॉल कुछ बता रहा है, पर ऐसे मुझे अभी कुछ नहीं करना, इस वजह से मैं इसको काट देती हूँ। तो ये मेरा यहाँ पर ये वाला आ गया है, ठीक है। ओके मैम, तो अब हम वापस चलते हैं अपने स्क्रीन अपने बुक पर, ठीक है। ओके मैम, तो हमारा थीम चेंज हो गया था, अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, द सिलेक्ट थीम इन डिस्प्ले ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे, हाँ बैकग्राउंड पे वो हमें शो होना लगेगा जैसा कि मेरा हो रहा था, ठीक है। यस मैम, यस नाउ मैम, देयर इज आवर क्वेश्चन आंसर, तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग। तो अलीना ओके फर्स्ट मैम, वाला क्वेश्चन रीड करो एंड देन उसका आंसर आप दो। ओके मैम। विच प्रोग्राम मैनेज एंड कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर? टास्क बार, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप, वर्किंग ऑफ द विच प्रोग्राम मैनेज एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर? टास्क बार, ऑपरेटिंग मैम, और ऑपरेटिंग सिस्टम, Which program manage and control the working of computer? Operating system is good. ऑपरेटिंग Excellent. डेस्कटॉप। बैकग्राउंड इज आल्सो कॉल्ड वॉलपेपर, डैम, स्क्रीन सेवर। मैं वॉलपेपर। Okay. वॉलपेपर, द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज कॉल्ड वॉलपेपर, थीम थीम भी बोलते हैं, वॉलपेपर तो फोटो को बोलते हैं, थीम बोलेंगे, ठीक है। थर्ड ओके मैम, थीम मैम वाला बताओ। मेरा सही है। हाँ आपका वॉलपेपर भी ठीक है। थर्ड वाला रीड करो क्वेश्चन। विच आइकन डिस्प्लेज हार्ड डिस्क ड्राइव्स एंड सेव्ड फाइल्स? कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, डॉक्यूमेंट्स। यप रिसाइकल बिन। यहाँ पर पूछा है हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सेव्ड फाइल, तो विच आइकन कौन सा आइकन है जो डिस्प्ले करता है हार्ड डिस्क ड्राइव को और सेव करता है फाइल को कंप्यूटर। ओके प्लीज कंप्यूटर। ओके मैम, द क्वेश्चन 4 रीड करो। लॉन्ग बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द टूल बार, टाइटल बार, टास्क बार। बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज मैम टास्क बार। वेरी गुड। इसमें देखो इन्होंने पूछा है द लॉन्ग बार कौन सा, मतलब लॉन्ग बार है जो प्रेजेंट रहता है बट बॉटम में टास्क बार के, तो नीचे, तो हम ये टास्क बार ही आपका। वेरी गुड। ओके फिफ्थ क्वेश्चन रीड करो। Which of the following is a gadget? Picture puzzle, task bar, recycle bin. Mam, recycle bin. नहीं इसमें इन्होंने बोला है विच, मतलब इसमें इन तीनों में से गैजेट कौन सा है, Mam, task पिक्चर bar? पजल है ना, पिक्चर पजल है। टास्क बार तो नीचे रहता है, रिसाइकल बिन तो कंप्यूटर में होता है, लेकिन गैजेट तो यहाँ गेम है ना ये वाला। यस मैम, तो ठीक है अब हम चलते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स पे, तो आ जाओ नीचे। तो यहाँ पर आपके हेल्पिंग हेल्प बॉक्स दे रखे हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स चॉइस द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, हमें बॉक्स से वर्ड को चॉइस करना है। ऑल द प्रोग्राम यहाँ पर आपका दे रखा है, तो आप फर्स्ट का बताओ मुझे। ओके मैम, इज द फर्स्ट स्क्रीन वी सी आफ्टर वी टर्न ऑन अ कंप्यूटर? मैम एक मिनट, कंप्यूटर मैम, नोटिफिकेशन। ओके नोटिफिकेशन नंबर 1। ओके और क्वेश्चन नंबर 2। द बटन इज फॉन्ट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट
to the tax mark. Ma'am, start. Okay, start. And desktop icons are also called, ma'am, desktop. Ma'am, all programs. ओके ठीक है. क्वेश्चन नंबर फोर. डेस्कटॉप आइकन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार कंटेंस द द एरिया. मैम एरिया, एरिया तो नोटिफिकेशन एरिया एक साथ हो गया. अब आपके पास सिर्फ शॉर्टकट और डेस्कटॉप बचा है. कंटेंस शॉर्टकट मैम डेस्कटॉप. ओके फिर ओके मैम, वी शुड क्लिक टू ओपन अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स. मैम शॉर्टकट. ओके ठीक है. अब मैं आपको बताती हूँ राइट और रॉन्ग. ठीक है. फर्स्ट वाला आपसे ओके पूछा मैम. था द फर्स्ट स्क्रीन, जो पहला स्क्रीन दिखता है वी हम देखते हैं आफ्टर वी टर्न. आफ्टर का मतलब होता है बाद में जब हम बंद करते हैं अपने कंप्यूटर के तो क्या देखते हैं. तो आपके यहाँ पर क्या आना चाहिए था, आपके आना चाहिए था शॉर्टकट. सो शॉर्टकट ये आपका पहला आंसर होना चाहिए था, क्योंकि जब हम बंद करते हैं तो बंद करने से पहले यहाँ पर दिखाता है कि आपका ये ओपन है, तो वो एक शॉर्टकट हो गया. तो ओके तो आपका सेकेंड वाला था इसमें बटन इज फाउंड जो हम एक्सट्रीम मी करते हैं लेफ्ट टास्क बार में रहता है. लेफ्ट तो यहाँ रहता है, तो हम इस बटन के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये स्टार्ट बटन आपका सेकेंड वाला था, ये बिल्कुल सही है और ये गलत हो गया था. थर्ड वाला डेस्कटॉप आइकन आर कॉल्ड, आपने क्या लिखा है ऑल प्रोग्राम, रॉन्ग. इसका आंसर आएगा आपका डेस्कटॉप. डेस्कटॉप ठीक है. अब इसको डेस्कटॉप, हाँ डेस्कटॉप आइकन जो होता है उसको हम डेस्कटॉप भी बोलते हैं. तो आपका जो थर्ड आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था यहाँ वाला. अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है द राइट साइड ऑफ द टास्क बार, टास्क बार के राइट साइड जो कनेक्ट होता है वो क्या होता है. वो होता है नोटिफिकेशन एरिया. मैंने आपको बताया था ना यहाँ, हाँ राइट साइड में. तो ये था, तो ये भी गलत हो गया आपका. अच्छा फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं. वी शुड क्लिक, हम क्लिक करते हैं टू ओपन द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम. लिस्ट प्रोग्राम की लिस्ट को ओपन करने के लिए हम क्लिक करते हैं ऑल प्रोग्राम. तो ये आपका आंसर फिफ्थ. तो आपका एक सही गया है, बाकी चार गलत हो गए हैं. बट कोई बात नहीं, ये थोड़ा डिफिकल्ट था. ओके तो लेकिन इसलिए आपको इसका क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके पेपर में जरूर आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ओके मैम. ओके तो अब हमारा है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करो एंड ट्रू फॉल मुझे बताओ इसमें से कौन सा है. ओके मैम, द डेस्कटॉप अपर्स बिफोर द प्रोग्रेस ऑफ वोटिंग. मैम मैम ट्रू ट्रू, द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप रिप्रेजेंट्स प्रोग्राम्स फाइल और फोल्डर. मैम ट्रू, कैलकुलेटर एंड क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ गैजेट्स इन विंडो 7. मैम ट्रू, वी कैनॉट गेट आर फाइल बैक फ्रॉम द रिसाइकल बिन. वी कैनॉट गेट आर मैम 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 फॉल्स. Gadgets can be moved on the screen. Yes, ma'am, true. Okay, good. So, पहला desktop appears before the processing of booting. तो सबसे पहले जब प्रोसेस होता है बंद होने का तो बूटिंग की आवाज आती है. That is true, good. And the icon, जो icons है desktop,
वो क्या करते हैं, वो प्रोग्राम उसमें फाइल और फोल्डर भी रहते हैं? यस बिल्कुल रहते हैं, वेरी गुड। कैलकुलेटर एंड क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ गैजेट, कोई मतलब एग्जाम्पल हैं गैजेट के अवेलेबल इन विंडोज 7। तो गैजेट तो हैं लेकिन एग्जाम्पल नहीं है, गैजेट ही है विंडोज 7, बट ये भी ट्रू है आपका। ओके, वी कैन नॉट गेट आवर फाइल बैक फ्रॉम द रिसाइकल बिन, मतलब कि हम कर सकते हैं, तो ये आपका गलत है, बिल्कुल सही है, मतलब आपने यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया है। सो गैजेट कैन बी मूव्ड ऑन स्क्रीन, यस, तो आपका ये सारा सही है, वेरी गुड। ओके मैम। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो क्वेश्चन आंसर सबसे पहले है व्हाट इज, अब आपका यहाँ पर रिसाइकल बिन का पूछा है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके आंसर के पास लेके चलती हूँ, जहां पे मैं आपको इसका आंसर दिखा दूँ। ओके, मैं पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि ये सही से दिखाई दे। ओके मैम। तो हम चलते हैं यहाँ पर। हाँ अलीना, आपका आंसर फर्स्ट है यहां से लेके यहां तक, ये आपका है आंसर फर्स्ट। ओके ओके मैम। ओके गुड। अब आपका क्वेश्चन टू है, मैं अपनी नोटबुक में से रीड करके बता देती हूँ। मैम, ये आइकन से लेके फोल्डर्स एंड फाइल्स पूरा है मैम कंप्यूटर तक। आइकन से लेके कंप्यूटर तक। ओके मैम। ओके हाँ अब आपका क्वेश्चन टू है नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द टास्क बार। अब हमें टास्क बार के डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं, तो हम चलते हैं अब थोड़ा नीचे यहाँ पर। तो टास्क बार के हमें उनको क्या बताने हैं, पार्ट्स बताने हैं डिफरेंट। तो पहला तो आपका नोटिफिकेशन, ये है, पहला तो स्टार्ट बताना, फिर ओके ये। हाँ ये सारा लिखोगे आप, ठीक है, मैम। ये आपका कोई आंसर टू है। आंसर थ्री है, क्वेश्चन थ्री है आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ शो डेस्कटॉप बटन। आप डेस्कटॉप बटन का क्या मतलब यूज होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं। ओके सो अब यहाँ पर आपका आंसर दे रखा है, अब आपका आंसर ये यहाँ से लेके पूरा ये हाउ डेस्कटॉप बटन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर थ्री है, ठीक है। ओके मैम। क्वेश्चन फोर है राइट द स्टेप टू चेंज ए थीम। तो थीम चेंज करने के स्टेप, तो नीचे चलो नीचे चलो नीचे चलो, अब यहाँ आ जाओ। तो यहाँ पर आपसे स्टेप पूछे हैं, तो फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये, आपको ये तीनों लिख देने हैं, ठीक है। हाँ मैम ये फोर्थ है ना, फोर्थ आंसर है ना। क्वेश्चन फोर्थ है और आपको क्वेश्चन फोर्थ तक ही दिया है। ओके मैम। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। तो क्वेश्चन आपका ये था, अब आपका डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो डेस्कटॉप आइकन टास्क बार स्क्रीन, ओके ये आपका ऐसे ही है, लेकिन ये आपका एक होमवर्क है, ये आपकी एक एक्टिविटी है, इसमें आपको इनके नाम लिखने हैं, ठीक है। ये टास्क बार के नाम है और नीचे राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग अंडर द, मतलब ये गैजेट्स के आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं, आइकन्स एंड गैजेट्स, ठीक है। मैम आइकन मतलब जो स्क्रीन पे ऐसे साइड में रहते वो ना, हाँ इनमें आइकन मैं देखो, ये छह चीजें हैं, छह चीजों में आपको ये देखना है कि आइकन्स कौन से हैं उसके नाम यहाँ लिखने हैं और गैजेट कौन से उनके नाम यहाँ लिखने हैं, ठीक है। ओके मैम। हाँ तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मैम ये मैम। ओके गुड। तो अब आपको अलीना ये क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप इन सबको सॉल्व करके मुझे जरूर भेजना, सारा मत करना, सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर। हाँ क्वेश्चन आंसर और जो आपने अभी एक्टिविटी दी है वही करना है ना, बाकी सब ट्रू फॉल्स वो तो नहीं वो करना है ना। नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर डी है, इसके आपको आंसर्स लिख के मुझे भेजने हैं और आपको ये ओके वाली एक्टिविटी करनी है, ठीक है। ओके मैम। और हो सके तो ये चैप्टर की रीडिंग आपने मुझे भेज दी है ना, यस मैम। यस ठीक है। तो अब हम क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं बाद में, ठीक है, बाय बाय। ओके मैम। बाय बाय मैम।